हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है 9:30 और मैं अभी जा रही हूँ सुबह सुबह। देखिए आज मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है हस्बैंड जी का जो कुंडली है उसको देखना है, क्योंकि उसका थोड़ा सा समय बुरा चल रहा है। तो बस इसी के लिए तो उसका कुंडली देखना है। और आज रक्षाबंधन है तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो उसके लिए मार्केट से कुछ राखियाँ भी खरीद कर लेके आऊँगी, देखती हूँ हो पाता है या नहीं। धूप तो बहुत तेज़ है और पैदल जाना है आज, कोई भी गाड़ी नहीं है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे पहले CSP से कुछ पैसे निकाल लेते और उसके बाद यहाँ पर राखी का जो दुकान है, स्टोर है, उससे कुछ राखियाँ खरीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे कुंडली देखने के लिए और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएंगे घर के लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये सुदेशना जी का स्टेचू है। और उसके बाद हम लोग पूरा काम ख़त्म हो चुका था, टाइम भी 12:30 बज चुका था और बच्चे को भी अकेले छोड़ कर आ गए थे, तो इसीलिए मतलब जल्दी जल्दी जाना पड़ा घर। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे, ऑटो से ही आए थे, लेकिन क्या हुआ जो सड़क में मतलब हम लोग का रोड साइड है सीधा घर के सामने, घर के पीछे, तो वहीं पर हम लोग उतर गए और वहाँ से पीछे का जो रास्ता है कच्चा रास्ता उसी से ही घर आ रही हूँ। तो धूप भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ धूप है और गर्मी से बहुत हालत ख़राब हुआ, क्योंकि CSP से पैसे निकालते वक्त बहुत टाइम लग गया वहाँ पर। तो बच्चे को भी अकेले छोड़ गई थी, तो बस मैं अभी पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं सामान लेकर आई हूँ, आप सबके साथ वो शेयर करूँगी। तो देखिए वीडियो को एंड तक। तो फ्रेंड्स ये प्लास्टिक में अपने बच्चे के लिए लेकर आई थी और यहाँ पर ये राखी लेकर आई थी, 4 राखी बैलों को बांधने के लिए। और ये लोशन बच्चे के लिए और खाने के लिए कुछ सामान लेकर आ गई और बस और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली टाइम हो चुका है, टाइम आ गया है और देखिए मैंने थाली भी सजा लिया है। तो टाइम हो चुका है, तो चलिए अभी बच्चे लोगों को पहले राखी बांधती हूँ। भैया बोले थोड़ी देर बाद वो बांधेंगे, तो सबसे पहले उन दोनों को ही बांध देती हूँ। आप सबको तो पता है पिछले वाली ब्लॉग में रक्षाबंधन जब आया था तब भी उन दोनों बच्चों को मैंने बांधा था, तो बस अभी उन दोनों को बांधूँगी, बाद में भैया को बांधूँगी। दिया और अगरबत्ती जलाना बाकी है। फ्रेंड्स अच्छे से सारा निपट चुका है और बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं नहाकर भी आ गई। तो अभी मतलब आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा शायद लंबा होगा, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाओ, तो आज का जो वीडियो है ये शायद नहीं थोड़ा बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।